मेहता का उल्टा चश्मा। सेठ जी, गोकुलधाम सोसाइटी का प्लास्टर और कलर काम का कॉन्ट्रैक्ट देना है ना? हाँ, क्यों, आपके ध्यान में है कोई जान पहचान वाला कॉन्ट्रैक्टर? हाँ सेठ जी, है ना, बहुत मेहनती है और बहुत ईमानदार भी और काम में नंबर वन। ऐसा काम करेंगे सेठ जी कि आप लोग खुश होके ज्यादा पैसा दे देंगे। अरे वाह, तो कौन है, कौन वो कॉन्ट्रैक्टर? चाचा भतीजा है? चाचा भतीजा कंस्ट्रक्शन कंपनी। मतलब वो कॉन्ट्रैक्टर हम हैं, चाचा भतीजा कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक। अच्छा, तो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी कभी खोली आप लोगों ने? अभी पटेल भाई के ना बोलते ही तुरंत तक झड़प ली। तो आपको क्या लगता है, मुंह खोलने से कंपनी खुल जाती है? वाड़ी, ऐसे कंपनी नहीं खुलती है। कितना वो कागज पत्र करना पड़ता है, गवर्नमेंट में जाके वो रजिस्टर करानी पड़ती है, तब जाके कंपनी खुलती है। जैसे ही आप हाँ बोलेंगे, बागा भी जाके कंपनी रजिस्टर करवा के आ जाएगा। भाचा चतीजा, ए चाचा भतीजा, ए चाचा, ए भतीजा, यहाँ पे सोसाइटी का प्लास्टर और कलर के काम की बात हो रही है। सोसाइटी की दीवार पे सर्कस का पोस्टर लगाने की बात नहीं हो रही है कि आप लोग कर लेंगे? सेठ जी, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ओहो, अच्छा, तो आप लोगों को इस काम का अनुभव है? नहीं, हमें अनुभव तो नहीं है, लेकिन हमारे पास अनुभवी कारीगर हैं। हाँ सेठ जी, हमारी चाली में आधे से ज्यादा बिल्डर रहते हैं। चाली में बिल्डर रहते हैं? हाँ सेठ जी, हमारी चाल में कितने सारे कड़िए लोग रहते हैं। कड़िया लोग बिल्डर है? कड़िए लोग ही बिल्डिंग बनाते हैं ना, रसोई थोड़ी बनाते हैं। सेठ जी, जैसे पेंटिंग करने वाले को पेंटर कहते हैं, वैसे ही बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर ही हुए ना। मतलब फिर क्या ये नौकरी छोड़ देने का विचार है? नहीं नहीं सेठ जी, तो फिर दुकान कैसे चलेगी? नौकरी तो हम करेंगे ही, और कंस्ट्रक्शन के काम के लिए आदमी भाड़े पे रख लेंगे। हाँ नटू काका, जब मेरा काम यहाँ नहीं होगा तब मैं गोकुलधाम में रहूंगा, और मैं सुबह शाम वहाँ मुआयना करने आया जाया करूंगा। ओ जोक करने वाले जोकर हो, ये ख्याली खिचड़ी पकाना बंद करो और चुपचाप काम पे लगो। सेठ जी, आप नहीं चाहते कि हम जीवन में आगे बढ़े? नहीं चाहता। तो क्या आप ये चाहते हैं कि हम ये नौकरी छोड़ दें? ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, भरने दो इनको टेंडर, वैसे भी भीड़े इनका टेंडर रिजेक्ट ही कर देगा। ठीक है, भरो तुम लोग टेंडर। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सेठ जी। वाह, सेठ जी हो तो आप जैसे। सेठ जी, हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो हम आपको पार्टनर बना देंगे, क्यों बागा? जरूर सेठ जी, हम भले ही सेठ हो जाए पर हमारे सेठ आप ही रहोगे। यू आर राइट बागा, तो आज रात को पद्मावती भोजनालय से सीधा शंकर कड़िया के घर। नटू काका, आप फिकर मत कीजिए, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया ना, तो हमारे पास कड़िए से लेकर पेंटर तक की फौज है। भागा, तो अब तू ही बता,
कोटेशन कैसे देना चाहिए? नटू काका, मेरे पास ये 3-4 कोटेशन के सैंपल है, इसमें से देख देख कर हम अपना कोटेशन तैयार कर लेंगे। वाह बागा वाह, यू आर ब्रिलियंट जीनियस एंड व्हाट नॉट आई से। एक मिनट, हाँ। देख बागा, लेबर और मटेरियल का कुल मिलाकर 25 लाख का कोटेशन बनता है। ओहो नटू काका, मतलब इसमें 30% के आसपास का मार्जिन होता है। हाँ, लेकिन बागा, ये हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट है, हमें कमाना नहीं है। बराबर है नटू काका, और वैसे भी गोकुलधाम अपनी सोसाइटी है, उसमें क्या कमाना। तो बागा, हम एक काम करते हैं, हमारी 30% की कमाई हम छोड़ देते हैं। बराबर, और मटेरियल सारा हम अपने गांव के रमेश भाई से मंगवा लेंगे, तो 20% डिस्काउंट वो भी हमें दे देंगे। एक मिनट, आपने कितने गिने? 25 लाख। 25 लाख में से ये गए और 20% रमेश भाई। ये लीजिए नटू काका, 16 लाख का कोटेशन बन सकता है। और कम कोटेशन रहेगा तो चाचा भतीजा कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। हाँ नटू काका, गोकुलधाम का भला होगा और हमारी नई दुकान चालू हो जाएगी। इतना सस्ता कोटेशन और कोई नहीं दे सकता। बस तो बागा, मिला हाथ। अब हमें गोकुलधाम सोसाइटी का कॉन्ट्रैक्ट मिलने से कोई नहीं रोक सकता।